नमस्कार समंदर की गहराई आकाश की ऊंचाई मापती हूँ कल से बेहतर होने को खुद ही के भीतर झांकती हूँ कोई दर ना छूटे जहाँ में जहाँ ना हो मेरी दस्तक आईना रख सामने खुद को ही आंकती हूँ अपने भीतर झांकती हूँ आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं डीडी हिमाचल की इस खास पेशकश शक्ति में और आज हम आपको रूबरू करवाएंगे महिला सशक्तिकरण की एक और मिसाल के साथ इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूँ किरण बाला और मेरे साथ हैं डिंपल शर्मा जी हाँ किरण जैसे आपने कहा कि इस कार्यक्रम में हम मुलाकात कराते हैं आज की सशक्त महिलाओं से आज की महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं फिर चाहे वे घर हो या बाहर आर्थिक रूप से निर्भर होने पर वे किसी भी क्षेत्र में अपनी एक अहम भूमिका निभाती हैं फिर चाहे वो घर हो समाज हो या देश हो देश के विकास में भी वो एक अहम भूमिका निभाती हैं कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे बैंक से सीनियर मैनेजर ईशानी शर्मा से और जिनसे हम जानेंगे कि बैंकिंग के क्षेत्र में क्या कुछ कर रही हैं महिलाएं है। तो आइए मुलाकात करते हैं आज की सशक्त महिला से तो कार्यक्रम में ईशानी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है ईशानी जी, जी सबसे पहले यही जानना चाहेंगी कि कैसे मन में विचार आया कि आपको बैंकिंग के क्षेत्र में जाना है मैम पिछले कुछ सालों में बैंकिंग में बहुत जॉब अपरचुनिटीज़ हुई हैं और जॉब अपरचुनिटीज़ के साथ साथ एक बहुत ही क्लियर कट सिस्टम है सिलेक्शन का और आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है करियर में भी ग्रोथ की तो इसी वजह से इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते देखते हुए मुझे लगा कि ये बहुत राइट right प्रोफेशन है और इसमें एक बार ज़रूर अपना ट्राई किया जाए और ट्राई किया और फिर इसमें अपने साथ दिया और बिल्कुल जी जी बहुत अच्छा ईशानी जी प्रश्न मेरा ये है कि बैंकिंग में करियर की बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं जी, जी। जिसके बारे में हमारे दर्शक जो हैं शायद वो नहीं जानते हैं तो मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहूँगी कि हमारे बैंकिंग के क्षेत्र में करियर की क्या क्या संभावनाएं हैं मैम बेसिक तो जो हमारे दो टेस्ट रहते हैं एंट्री लेवल टेस्ट होता है एक होता है क्लरिकल के लिए और एक होता है ऑफिसर के लिए जैसे मैंने एज एन ऑफिसर ज्वाइन किया था तो मैम इसमें तो जैसे आपको रिटर्न क्लियर करना है फिर आपके इंटरव्यू होगा आपका ग्रुप डिस्कशन होएगा एंड फाइनली आपकी मेरिट लिस्ट बनती है इसके अलावा मैम क्लरिकल और ऑफ़िसर के अलावा भी बहुत कई ऑपरचुनिटीज़ हैं जो आप बैंकिंग में ना हो के भी एक बैंकिंग जॉब की तरह उसको ले सकती हैं जैसे कि रूरल एरियाज़ के लिए भी जी रूरल एरिया की आपने बात की है ग्रामीण क्षेत्र की जी, तो, तो ये शादी जी वहाँ के बारे में जानना चाहेंगी कि, कि किस तरह से महिलाएं जो हैं वो आगे आ सकती हैं और बैंकिंग क्षेत्र में जो है कार्य कर सकती हैं देखिए मैम अभी तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो इतने वित्तीय रूप से इतनी साक्षर भी नहीं हैं और पढ़ाई भी जिनकी इतनी नहीं है पर उनके लिए भी बैंकिंग में एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसको हम बैंकिंग सखी के नाम से बोलते हैं बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट उसको बोलते हैं तो वो बैंक की जॉब ना करते हुए भी एक तरह से बैंक की ही जॉब कर रही हैं कि उनको हम बैंकिंग का कॉरेस्पॉन्डेंट बना देते हैं और रूरल एरियाज़ में जहाँ पे बैंक ना पहुँच सके लोग बैंक ना पहुँच सके वहाँ पर वो बैंकिंग की सुविधाएँ देती है जैसे कि जमा करती है राशि निकालते हैं राशि लोग तो उनको हम एक मशीन दे देते हैं उसके थ्रू वो एटीएम टी इशू करते हैं खाता खोलते हैं तो बैंकिंग में ना होके भी वो बैंकिंग से जुड़ी हुई है जी, 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 जी। इशादी जी इसका रिस्पॉन्स कैसा रह रहा है ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं कितना वो आगे बढ़ चढ़ कर इस भाग ले रही है बहुत मैम इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है हमें बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो इस चीज से जुड़ी हैं और बहुत लोगों को बहुत सुविधाएं होगी हैं सपोज कोई जैसे कोई बैंक है वो आपका दस किलोमीटर दूर है तो बैंकिंग सखी उनके घर घर में जाके उनसे पैसे उनके जमा कर देती हैं उनके पैसे निकलवा देती हैं उनके खाते खोल देती हैं तो जो कस्टमर हैं जो हमारा ग्राहक है उसको भी बैंक आने की जरूरत नहीं है तो इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और एक बहुत अच्छी ऑपरचुनिटी है अगर आप नहीं बाय चांस अपना कोई आप कोई और कार्य कर रहे हैं अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में एज एन ऑफिसर या एज एन क्लरिकल आप नहीं जॉब ले सके तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आपको इसकी कमीशन मिलती है इसकी बहुत प्री डिफाइंड कमीशन होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू तो लोग बहुत अच्छा

मैम महिलाओं का तो बहुत ज़्यादा योगदान है बैंक में आ, पहली चीज़ तो कि एक बहुत एक वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा सा हो जाता है अगर दोनों जेंडर्स हैं वरना बहुत होमोजीनियस रहता है एक वर्क इन्वायरमेंट अगर वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों हैं तो दोनों अपने विचार प्रकट कर सकते हैं दोनों अपनी केपेबिलिटीज़ ला सकते हैं सामने सेकेंडली मैम एक बहुत विमेन में एक बहुत एम्पथी होती है तो कोई ग्राहक आता है अगर किसी को छोटे से छोटे किसी लोन की ज़रूरत है या किसी काम की ज़रूरत है तो मुझे लगता है कि वुमेन में वो एक एम्पति नेचुरली आती है जी, तो आ, उसमें भी कस्टमर्स को बहुत फायदा होता है क्योंकि बैंकिंग एक प्योरली कस्टमर डीलिंग जॉब है थर्डली uh, मैम मुझे लगता है है कि जैसे वुमेन की ना जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, वो बहुत अच्छी होती है तो हम जैसे गांव के भी लोग होते हैं उनको अच्छे से हम स्कीम समझा पाते हैं एक उनको बड़ी होमली सी फीलिंग आ जाती है तो मैम एक बहुत अच्छा वर्क कल्चर एक बहुत अच्छी वर्क कल्चर हो गया हुआ है बैंक में ना कि मेल और एम्प्लॉयज दोनों बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हो रहे हैं जी और जी यदि हम जिस तरह से योगदान की बात कर रही थी किरण जी के कि बहुत कम महिलाओं के नाम हम सुनते हैं इसके इस क्षेत्र इस में जो है बहुत कम महिलाएं आगे आ रही हैं तो उसका क्या कारण आप देखती हैं मैम uh, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा बहुत कम हैं जैसे एस की जो चेयरमैन थी अरुंधति भट्टाचार्य जी, जी. उन्होंने भी मॉडर्नाइजेशन बहुत की बैंक की शिखा शर्मा जी थे एक्सिस बैंक की सीईओ सीईओ उन्होंने रिटेल में बहुत ज़्यादा काम किया फिर जो जो किडवाई मैम हैं उनका था कि फोब्स में वो एक लौती थी जिनका नाम जिन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से किया था और फोब्स में जिनका नाम आया था बट एक्चुअली में यस अगर हम इंटायर वर्क देखा जाए तो प्रोपोर्शन बहुत कम रहा है जी. कि वुमेन uh, लेवल uh, जो एक बेसिक क्लैरिकल जॉब है उनमें तो फिर भी बहुत हैं ऑफिसर्स में भी हैं बट जो डायरेक्टर लेवल की जॉब्स की जब बात आती है तो उसमें वुमेन लेवल वुमेन जो एम्पावरमेंट है एक्चुअली वो बहुत कम है जी. जो रेशियो है वो वुमेन बैंकर्स का वो बहुत कम है अगर हम डायरेक्टर लेवल की बात करें जी तो मैम रीजन यही है कि थोड़ा सा अब अब तो खैर ट्रेंड चेंज हो रहा है अब तो बहुत प्रोग्रेसिव हो रही है वुमेन भी बहुत प्रोग्रेसिव हो रही है पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो वुमेन को फेस करने पड़ते हैं उन चैलेंजेस की वजह से वो बहुत आगे नहीं पहुंच पाती जी। तो जैसे कि इन्होंने चैलेंजेस की बात की आप कह रही हैं कि महिलाओं का जो आंकड़ा है वो बहुत कम है रेशो बहुत कम है तो अवश्य ही कोई चुनौतियां होंगी जिसकी वजह से महिलाएं आगे नहीं आ पाती बिल्कुल मैम तो ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं कि अगर महिलाएं बैंक के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं, तो किन चुनौतियों के लिए उन्हें तैयार रहना पड़ेगा या यूं कह लीजिए कि आपने किन किन चुनौतियों का सामना अभी तक किया मैम मैम जैसे कि आपने कहा कि आंकड़ा बहुत कम है तो जैसे जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है वो हमेशा हर साल एक स्टैटिस्टिक्स निकालता है डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स निकालता है तो वुमेन का स्टैटिस्टिक लाइक टू तो थाउजेंड में मैम मुश्किल से सिर्फ छत्तीस या चालीस था hmm. तो इक्वल तो नहीं था पर फिर भी बहुत प्रोग्रेसिव हो रहा है अब मैम चैलेंजेस तो बहुत आते हैं सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ये कस्टमर डीलिंग जॉब है जहाँ पे आपको इक्वल योगदान देना पड़ेगा जैसे कि एक मेल एम्प्लॉय दे रहा है आपको इक्वल टारगेट्स अचीव करने पड़ेंगे जैसे कि एक मेल एम्प्लॉय कर रहा है फिर मैम वर्क लेवल पे बहुत फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट्स नहीं होते ऐसा नहीं है कि वेमेन के लिए कि आप जल्दी जा सकते हैं आप लेट आ सकते हैं तो एक फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट नहीं होता वुमेन के लिए और थर्डली मैम आपको अगर आपको बहुत साक्षर होना है अपनी जॉब में तो साथ ही साथ मैम आपको साक्षर अपने घर पे भी होना है तो आपके पास एक डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको घर पे भी घर भी चलाना है और बाहर भी चलाना है तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी वर्क अरेंजमेंट्स में थोड़े कम है इस वजह से ये चैलेंजेस थोड़े आते हैं जो हमें फेस करने हुँ, पड़ते हैं ईशानी जी आपने घर और बाहर की बात की किस तरह से ऑफिस और घर को बैलेंस करना जरूरी है और ऐसे में आपने कहा कि परिवार को भी साक्षर करना बहुत ज्यादा जरूरी दिल्कुल, है तो ईशानी जी आप कितना मानती हैं ये जरूरी है किसी भी महिला के लिए कि जो उसका परिवार है वो उसे हर कदम पर सहयोग करे बिल्कुल मैम बहुत ज़रूरी है कि अगर आप परिवार से अगर आप सपोर्ट सिस्टम आपको बहुत ज़्यादा है तभी आप आगे ग्रोथ आपकी हो सकती है तभी आप राइज़ कर सकते हैं और मैम मैंने तो अपने बैंकिंग क्षेत्र में भी जो आसपास भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं हमने बहुत देखा है कि एक विमेन ही एक दूसरे विमेन को सपोर्ट कर सकती है जैसे कि मैं आज इस पद पे हूँ तो इसीलिए क्योंकि मेरी मदर मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं तो मुझे पता है कि मेरे पीछे कोई है जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं फैमिली का सपोर्ट तो मैम बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी मैम आप आगे भी बढ़ सकते हैं आप आगे प्रमोशंस लेने की सोच सकते हैं अब आगे और अचीव करने की सोच सकते हैं ना ही सिर्फ बैंकिंग में मैम वो तो हर क्षेत्र में एक बहुत जनरलाइजेशन है कि फैमिली सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए जी। तो मैम उसी तरह बैंकिंग में भी बहुत ज्यादा जरूरी है जी, लेकिन देखिए ना डिम्पल जैसे मैम ने अपने बैंकिंग में अपना करियर बनाया है जी। तो कुछ ना कुछ अच्छा भी तो रहता होगा ना बैंकिंग में बैंकिंग आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आ रहा है इसीलिए महिलाएं जो हैं अब बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहती हैं तो क्यों एक महिला को बैंकिंग में करियर चुनना चाहिए मैम बैंकिंग एक्चुअली में एक बहुत ही अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है जे. और इसके ना बहुत ज़्यादा फायदे हैं सबसे पहली बात मैम तो अगर आप केपेबल हो तो ज़रूर आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलती है हुँ. यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ आप अचीव कर रहे हो वो तो बिल्कुल आपकी केपेबिलिटी की वजह से आप अचीव कर रहे हो सेकेंडली मैम पे स्केल्स भी बहुत अच्छे हैं बैंकिंग में थर्डली मैम पे स्केल्स के अलावा और भी बैंकिंग बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देती हैं अगर आपकी ट्रांसफ़र कहीं दूर हो रही हो तो एक बैंक हमेशा अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखता है कि वो वहाँ पे प्रॉपर उनको सब कुछ अरेंजमेंट हो सब कुछ रहने का मिल जाए तो मैम अब अगर आप हर चीज़ के साथ मैम प्रोज एंड कॉन्स होते हैं बट मेरे हिसाब से तो मैम बैंकिंग अपॉर्चुनिटी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर करियर ग्रोथ एंड आपको खुद को भी बहुत बहुत ज्यादा मौके मिलते हैं मैम आगे आने के तो और वुमेन तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रही हैं तो जरूर बैंकिंग में बहुत ज्यादा लेडीज को आगे आना चाहिए एंड देर डूइंग वेरी वेल बहुत अच्छा ग्रो कर रही है वुमेन जी ईशानी जी यदि हम आपके शुरुआती समय की बात करें जब आपने बैंकिंग को मतलब जब आप इसमें गई फर्स्ट टाइम जब आपकी पोस्टिंग हुई तो कैसा अनुभव रहा था उस समय में जब आप बैंक में गई थी मैम बहुत अच्छा अनुभव था बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट था बहुत सीखने को मिलता है मैम जब आप नए नए पहले किसी मेरी तो फर्स्ट जॉब थी बहुत सीखने को मिलता है बहुत नए सॉफ्टवेयर्स हैं टेक्नोलॉजी बहुत ग्रो हो रही है तो आपको बहुत चांस मिलता है कि आप भी अपना मेंटल ग्रोथ बहुत करें और मैम एज एन इंडिविजुअल मैं बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है मैम कि मैंने रूरल एरिया में भी सर्व किया है छोटी से छोटी स्कीम्स जैसे हो जाए पेंशन योजना हो जाए सुकन्या योजना हो जाए से लेकर बड़ी स्कीम्स बड़े बड़े लोन्स एमएसएमई के बड़े बड़े लोन्स रिटेल के होम लोन कार लोन तो जब जब लोगों को वित्तीय रूप से ज़रूरत पड़ी है एक बैंक की और तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मैंने उनकी मदद की है रोज़गारी में बहुत मदद की है क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जिसमें आप रोज़गारी में मदद कर सकते हो तो मैम रूरल से लेकर अर्बन से लेकर सिटी से लेकर मैंने बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया है अपने पोर्टफोलियो को तो मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मैम इसमें जी मैं इसके साथ एक और क्वेश्चन इनसे जोड़ना चाहती हूँ जी मैम बैंक में आप व्यक्तिगत तौर पर आपने किस तरह से योगदान दिया है आपके समाज को जैसा आप पोर्टफोलियो की बात करें जी, जी थोड़ा सा और बताए जी हाँ मैम एक बैंक में ना आपको एक बहुत अच्छा मौका मिलता है कि आप ना सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में आप बहुत इन्वॉल्व होते हो और आप जेनुनली जो लोगों को आपकी जरूरत है स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर आप डील कर रहे हो जी। तो आपको ना बहुत मौका मिलता है कि आप सोशली भी आप बहुत लाइबल होते हो लोगों को उनकी हेल्प करने के लिए तो मैम लोगों को किसानों को चाहे उनका किसान क्रेडिट कार्ड चाहिए छोटी छोटी लिमिट्स चाहिए फिर मैम बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गाँव गाँव में जाके हमने दस दस लोगों के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए फिर छोटे छोटे बच्चों को हमने स्कूल में जाके कैंप कंडक्ट किए कि छोटे छोटे बच्चों को हम बचत सिखाएं, फिर वो बच्चे पांच पांच रुपए की भी बचत करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी फिर मैम छोटे छोटे जो जो मध्यम वर्ग के भी लोग हैं उनको मैम हमने बताया कि कैसे वो सुरक्षा बीमा योजना करवा सकते हैं अपनी इंश्योरेंस करवा सकते हैं उसके अलावा मैम ये तो हो गया छोटे स्तर पे मैम बड़े स्तर पे जैसे कि कोई बहुत बड़ा लोन है उनमें हमने उनकी प्रोवाइड किया ताकि इकोनॉमिकली भी हम हेल्प कर सके अपने कंट्री को इकोनॉमिकली भी हम ग्रो कर सके सोशल सिक्योरिटी तो चलो है ही एक ज़िम्मेवारी एक बैंकर की बट जैसे कि बड़े बड़े लोन्स हो गए मैम एम के लोन्स हो किसी की फैक्ट्री सेटअप का लोन हो गया किसी का बड़ा घर का लोन हो गया होटल का लोन हो गया प्रोजेक्ट्स हो गए बड़े बड़े उनसे क्या होता है मैम कि एक तो इकोनॉमिकली ग्रो होता है हमारा देश और साथ में एक चीज़ से जुड़े मैम तो बहुत लोगों को रोजगारी भी मिलती है जी तो मैम इस तरह से हमने कैंप्स कंडक्ट किए हैं हम टाइमली मैम अपने कस्टमर्स को बुलाते हैं हम ब्रांच में कैंप कंडक्ट करते हैं हम गांव में जाके कैंप कंडक्ट करते हैं ताकि सब लोग एक वित्तीय रूप से साक्षर हो जाए नोट की पहचान करना सिखाते हैं कि कैसे नोट की पहचान होनी चाहिए ताकि कोई कभी भी नकली नोट में ना आए डिजिटली कैसे लोगों को अवेयर रहना चाहिए तो मैम ये ये सब हम टारगेट्स के अलावा ये सारा हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने लोगों को काफी वित्तीय रूप से साक्षर बना पाए यानी वित्तीय और आर्थिक रूप से लोगों को साक्षर करना भी बैंक के कर्मचारियों का ही एक कार्य रहता बिल्कुल है बिल्कुल और बतौर महिला आप महिलाओं के लिए भी काम बहुत अच्छे से कर रही हैं? जी मैम और लोगों के लिए तो कर जी, ही माम। रही जी ईशानी जी जिस तरह से आपने हमें बताया कि एक जो महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में उनके लिए आप कार्य करती हैं यदि हम बात करें जो बैंक में कार्यरत महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं कई कही रूपों में जो है समाज में परिवार में अपने कार्य करती हैं ऐसे में जो माता का रूप है उनका माँ का रूप है उसके लिए भी उन्हें बहुत जो है सेक्रीफाइस देने पड़ते हैं ऐसे में बैंक जो है एक मदर एक बैंकर को किस तरह की चाइल्ड केयर फैसिलिटीज देती है मैम अब तो बहुत सारी बैंक ऐसे हो गए हैं स्पेशली जो हमारे गवर्नमेंट बैंक भी हैं जिसमें क्रैच के अलग अलाउंसेज मिलते हैं बहुत सारी बैंक तो हैं जिसमें क्रेच की फ़ैसिलिटीज़ भी मिलती हैं उसके अलावा मैम मटर्निटी बेनिफिट एक्ट जो हमारा है उसके तहत थर्टी ट्वेंटी सिक्स वीक्स की हमें मटर्निटी लीव भी मिलती है तो uh, ऐसा नहीं है मैम सरकार भी और एक बैंकिंग भी अच्छा इन्वायरमेंट हो बहुत ही पॉजिटिव वे में वो सपोर्ट करते हैं वेमेन को और इस तरह से हम वी कैन बोथ ग्रो आर्ट आर हाउस ऑल्सो एंड इन द बैंक ऑल्सो तो मैम बहुत सारे हमें लीव्स मिलती हैं बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं एक मदर को और बहुत ही मैम एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता है बैंक में भी कि वुमेन वुमेन एम्प्लॉयज़ को भी उनके जो काउंटर पार्ट भी हैं जो मेल इम्प्लॉयज भी हैं वो लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं जी जी और गवर्नमेंट तो, भी मैम बहुत सपोर्ट कर रही है ट्वेंटी सिक्स वीक्स की तो मेटर्निटी लीव दे रहे हैं इसके अलावा क्रेच फैसिलिटीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया मैम जी तो इस तरह से मुझे लगता है कि जो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी रहती है परिवार की वो भी बखूबी जो है वो निभा पाती हैं ईशानी जी महिलाओं की बात जब हम यहाँ पर कर रहे हैं तो महिलाओं को कहा जाता है ना कि वो एक घर का एक परिवार का आरबीआई होता है जी। बिल्कुल, जब बिल्कुल, घर में इंसानों मतलब मेल जो एम्प्लॉज होते हैं उनके पास कभी वित्तीय समस्या आ जाती है तो वो अपनी महिलाओं के पास जाते जी, हैं जी, और उनसे कहते हैं महिलाओं की भागीदारी कितनी जरूरी है मैम बहुत ज्यादा जरूरी है महिलाओं की भागीदारी क्योंकि एक तो मैम आपके दो तीन तरफ के ओपिनियंस हो जाते हैं आप कोई भी आप पोर्टफोलियो ले लो तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट मैम आपकी बहुत बेटर वे में आप उसको जज कर पाते हो कि दो तीन अगर आपके पास एक मेल एम्प्लॉय है एक फीमेल एम्प्लॉय है वो रिस्क मैनेजमेंट इजीली कर पाएंगे इजीली कस्टमर डीलिंग हो पाएगी थोड़ा एम्पथेटिक होंगे हम अपने ग्राहकों की तरफ भी तो मैम ये सारी चीज़ें मुझे और अब तो मैम बहुत ज़्यादा फीमेल एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली और फाइनेंशली वो बहुत ही वेल well रेड है उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो वो अपनी नॉलेज का मैम बैंकिंग में फुल कंट्रीब्यूशन uh, दे सकती हैं अपना पूरा सहयोग दे सकती हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स में ले लीजिए चाहे फाइनेंस में ले लीजिए वो लोग बहुत आगे बढ़ के आ रही हैं तो इस वजह से मैम ये सारा नॉलेज अगर हम करें कि और एक होमोजीनियस नॉलेज नहीं रहती बहुत डाइवर्सिफाइड रहती है ये नॉलेज तो इस वजह से मैम महिलाओं का बैंकिंग में तो बहुत ज़्यादा योगदान है बिल्कुल ही शादी चीज जिस तरह से हम देखते हैं कि बैंक में जो है महिलाओं के लिए विशेष तरह की योजनाएं चलती हैं आपको क्या लगता है क्या उद्देश्य रहता है इसके पीछे कि महिलाओं के लिए विशेष तौर पर कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं जी मैम बहुत सारी योजनाएं हैं मैम एज अ ग्राहक भी आ, मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत योजनाएं हैं जैसे कि बहुत महिलाएं हैं बहुत बैंक ऐसे हैं जो महिलाओं को थोड़ा कम ब्याज पे लोन देते हैं जी. तो वो यही हैं मैम कि ताकि महिलाएं आगे से आगे आएं और ज़्यादा थोड़ी एक इक्विटेबल वर्क फोर्स हो मैम एक इक्विटेबल एक जेंडर इक्वालिटी हो बहुत सारी महिलाएं हैं मैम वो अपना बहुत निर्भर आत्मनिर्भर बहुत हो गई हैं क्योंकि उनको हम लोन दे रहे हैं जा जाके बैंक्स लोन दे रहे हैं उनको लोन बांट रहे हैं उनको स्कीम समझा रहे हैं और मैम बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है बहुत इनफैक्ट मैम बैंक्स तो कैंप कंडक्ट करते हैं उनको पहले रोज़गार सिखाने के लिए भी जैसे बहुत सारी आ, ऐसे ऑर्गेनाइजेशनस हैं जो उनको पहले रोजगार सिखाने के लिए भी उनको कंडक्ट करेंगे कैंप फिर हम उनको सिखाएंगे कि बैंकिंग में कैसे उनको निवेश करना है तो मैम लेडीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा मैम और बहुत ज़्यादा लोन्स में ना उनको सब्सिडी भी है उनको ज़्यादा सब्सिडी है क्योंकि चाहते हैं कि एक जेंडर इक्वालिटी हो एक मैन और एक वुमेन का एक इक्विटेबल वर्क हो तो मैम इस करके गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा स्टेप्स लेती है सब्सिडी देती है जगह जगह कैंप कंडक्ट करते हैं हम ग्रुप्स बनाते हैं लेडीज़ का ताकि लेडीज़ भी

लेके जाती है ईशानी जी, 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 जी आपने अभी जो बात की वो थी समाज में किस तरह से हम इक्वालिटी जी मैम पुरुषों और महिलाओं के बीच में बराबरी की जो जी एक जी मिसाल है वो पेश कर सके उसके लिए बैंक किस तरह से कार्य कर रहा है महिलाओं को बहुत सारे लोन दे रहा जी, है जी। जैसे आपने कहा उनके उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंक मदद कर रहा है लेकिन बैंक में जो हम इक्वालिटी और इक्विटी की बात करते हैं तो वहां पर हमारे सरकार या हमारी जो आर है वो किस तरह के प्रयास जो है वो कर रही है ताकि बैंक में जो महिला और पुरुषों की संख्या है वहाँ पर किसी हद तक बराबरी आ सके मैम पहले तो जो एंट्री लेवल टेस्ट ही है उसमें मैम कोई भी बायसनेस नहीं है कि आपको अपना एंट्री लेवल रिटर्न क्लियर करना है फिर आपको अपना इंटरव्यू क्लियर करना है तो उसमें कोई बायसनेस नहीं है आपकी मेरिट पे है कि आप आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद मैम जो हमारे प्रमोशनल एग्जाम्स भी होते हैं उसमें भी मैम आपका केपेबिलिटी है आप मेरिट बेस्ड है कि किस तरह से आप परफॉर्म करेंगे उसमें और बाकी मैम जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है जैसे निर्देशक के लेवल पे देखा जाए उसमें अभी विमेन कम है पर ज़रूर जिस हिसाब से इतना प्रोग्रेशन चल रहा है आई एम श्योर कि इसमें भी विमेन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगी और आगे आएंगी और ये प्रोग्रेसिव है ये कल्चर बहुत प्रोग्रेसिव है जी हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों में बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी या छोटी लड़कियां बेटियां ऐसी होंगी जो आपको देखकर आज ये सोच रही होंगी कि उन्होंने बैंकिंग में अपना करियर स्थापित है। जी बिल्कुल आ, आपने किरण जी लड़कियों की बात की तो मैं ये जानना चाहूंगी शानी जी से कि ऐसी बहुत सी लड़कियां होंगी जिस तरह से सबने अपने मन में एक लक्ष्य बना रखा होता है कि वो जीवन में ये करेंगी क्या करेंगी तो जो भी लड़कियां बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहती हैं कौन कौन सी बातों का वो ध्यान रख सकती हैं इस क्षेत्र में जाने के लिए मैम uh, सबसे पहले तो यही कि उनको बहुत तीन चार अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी उनको तैयारी करनी होती है क्योंकि पहले तो उनको रिटर्न ही क्लियर करना होता है तो जैसे मैथ्स हो गया एप्टीट्यूड हो गया और इंग्लिश हो गया कंप्यूटर जनरल नॉलेज ऐसे ऐसे बहुत सारे अलग अलग कट ऑफ्स जाती हैं तो उनको उसी की तैयारी कर लेनी चाहिए मैम ग्रेजुएशन लेवल पर जैसे ही आप ग्रेजुएट हो आप एलिजिबल होते हो एग्ज़ाम देने के लिए तो आप उस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए उसके बाद मैम इंटरव्यू कंडक्ट होता है आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी और फिर तो मैम आप एक बार ही आपकी एंट्री होगी तो देन आपके हैं चांसेस और ग्रोथ के जी जी यानी uh... जो भी लड़कियां हैं उनको अब इसकी तैयारी जो है वो शुरू कर देनी चाहिए और अगर आपकी ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री है और वो मैम किसी भी फील्ड में हो सकती जी, है किसी भी फील्ड में हो सकती आ, है वो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से भी हो जी, सकती जी, है, है। वो आर्ट्स के लेवल से भी हो सकती है वो मेडिकल नॉन मेडिकल हर क्षेत्र से हो सकती है तो दर्शकों अगर आप में से भी हैं जो बैंकिंग के क्षेत्र में महिला होने के नाते अपना योगदान देना चाहती हैं तो अवश्य बैंकिंग की तैयारी जो है वो शुरू कीजिए और आगे बढ़कर बैंकिंग में अपना योगदान दीजिए जी बहुत अच्छी बात आपने किरण जी कही है ईशानी जी जिस तरह से आज का समय हम देखते हैं सोशल मीडिया जो है काफी लोगों के बीच पॉपुलर है और अगर हम बैंकिंग की बात करें तो वो भी पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है ऐसे में महिलाओं के लिए कितना लाभदायक रहता है कैसे वो अपने समय की बचत कर सकती हैं इससे मैम बहुत अच्छा है जैसे कि आप बिजी हैं आप ज्यादा बैंक नहीं जा सकती हैं तो सब कुछ आपका डिजिटली अवेलेबल है आपकी मोबाइल बैंकिंग एप्स हैं आपकी इंटरनेट बैंकिंग है उसी से आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं आप बैठे बैठे अपने खाते खुलवा सकते हैं आर डी सब कुछ अपने बैलेंसेस चेक कर सकते हैं तो उनको कहीं भी आने की जरूरत नहीं है तो ये तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है और इसमें बहुत ग्रो भी कर रही है हमारी कंट्री मैम जैसे यूपीआई वो सिर्फ हमारी कंट्री में ही है इट्स द फर्स्ट कंट्री टू हैव यू पी आई फैसिलिटी और uh, हर एक uh, जितनी जितनी भी बैंक हैं हमारी चाहे पब्लिक सेक्टर हों चाहे प्राइवेट हों सबकी अपनी ऐप्स हैं सबकी अपनी इंटरनेट बैंकिंग है तो बहुत ईजी हो जाता है सबको उसको टैली करना अपना उनका काफ़ी समय बच रहा है मैम और सब कुछ बहुत हैंडी भी हो गया हुआ है आपको पासबुक आपके फ़ोन पे है आपके अकाउंट्स आपके फ़ोन पे हैं तो ये तो बहुत अच्छी ग्रोथ है बहुत अच्छी ग्रोथ है बैंकिंग इंडस्ट्री की जी ईशानी जी आज आप कार्यक्रम में आई और बैंकिंग से जुड़ी हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, मुझे लगता है जो महिलाएं घर बैठकर आपको देख रही होंगी उन्हें इससे जरूर लाभ मिलेगा आप कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा अगली कड़ी तक के लिए लेते हैं आपसे इजाजत नमस्कार